Hi guys and welcome to another vlog. आज हम एक ड्राइव करने वाले हैं between the Skoda Laura, also known as Octavia Mark II versus Volkswagen Virtus GT. तो यार ये जो Laura है या Octavia है ये मेरी प्रोजेक्ट कार है, फर्स्ट प्रोजेक्ट कार है. फर्स्टली मैं दिखा तो चुका ही हूँ चैनल पे, लेकिन इससे पता चल रहा है जिनको कि ये मेरी गाड़ी है तो बता देता हूँ ये प्रोजेक्ट कार है मेरी. और इस गाड़ी की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें 1.8 TSI है ये 1.5 TSI है. ये गाड़ी डी सेगमेंट से डान है, ये सी सेगमेंट से डान है और सी लग्जरी जिसको आप कहते हैं. अब इस गाड़ी की बात करते हैं, इस गाड़ी की वेट की बात करते हैं. सबसे पहले 1400 किलो की है ये गाड़ी, 1.8 TSI, 160 BHP स्टॉक, 250 NM का टॉर्क, 6 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स. एज की बात करें तो ये 2013 की है और ये गाड़ी सबको पता है यार 2022 में आई है और 2022 की नॉर्थ इंडिया की पहली Volkswagen Virtus GT थी है. और अगर हम इसके वेट की बात करें ये 1300 किलो की है. ये यूज़ करती है एक 7 स्पीड का DSG ट्रांसमिशन जिसके साथ 150 BHP, 250 NM का टॉर्क आता है, 1.5 लीटर का इनलाइन फोर ईवो मोटर के साथ आती है ये. लेकिन BHP में भी 10 BHP का इंक्रीमेंट है Skoda Laura में, तो क्लियरली वहाँ पे वो चीज़ थोड़ी नलीफाई सी हो जाती है क्योंकि 100 किलो का फर्क है तो वो रेशो सही बिठाता है. तो सीधा ड्रैग स्टार्ट करते हैं, मैं जाने वाला हूँ Skoda Laura में, वहीं मिलते हैं आपसे. तो वैसे एक चीज़ बताना भूल गया था मैं आपको कि इस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है वो चेंज हो चुका है. स्टॉक एग्जॉस्ट नहीं आता इसके अंदर, बोर्ला का एग्जॉस्ट आता है. और इस गाड़ी का जो रेजोनेटर है और एंड कैन है दोनों हट चुके हैं. इसको आप स्ट्रेट पाइप नहीं बोल सकते क्योंकि एक कैटलिस्टिक कन्वर्टर, दोनों कैटलिस्टिक कन्वर्टर हैं गाड़ी के. तो मतलब आप मान सकते हो पार्शियली आधी चीज़ें हट चुकी हैं, आधी चीज़ें रहती है. तो उसमें 5 से 7 BHP गाड़ी का बढ़ चुका है, तो 165 BHP 167 मान सकते हैं इसको. पहले ट्रैक के लिए आ चुके हैं. AC हम ऑन रख रहे हो, AC ऑफ? AC ऑन है, ठीक है. मेरा भी AC ऑन है, इनका भी AC ऑन है. ट्रैक्शन ऑन, ठीक है. तो चलो एक एडवांटेज छीन रहे हो हमसे बहुत बड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ट्रैक्शन से काफ़ी फर्क पड़ता है, मैनुअल गाड़ी है. तो पहले ड्रैग यहीं से स्टार्ट करते हैं. दोनों गाड़ी में दो दो लोग हैं, उसमें भी दो लोग हैं, वो आपको दिख रहे होंगे. और ड्रैग यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बार सामने क्लियर आउट हो जाए फिर. रेडी, और Virtus पीछे हो गई भाई, और रियल तो नहीं कर रही. और भाई हमारे हो गए 150 हो गए हमारे. और अब मैं ब्रेक ले लेता हूँ क्योंकि 150 तक ही करनी थी. और पहला ड्रैग बहुत क्लियरली Skoda Laura जीत चुकी है, या Octavia Mark II, जो कि मुझे पता ही था जीतना ही है क्योंकि यार ऑब्वियसली 10-12 BHP ऊपर है और 1.8 TSI में यार दम बहुत है. 1.5 है अच्छा, काफ़ी अच्छा है, लेकिन BS6 की वजह से थोड़ी पावर डिम रहती है उसमें. अगर खुल के वो इमिशन नॉर्म्स नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती और वो ज़्यादा अच्छा फाइट कर पाती. Skoda Laura या Octavia Mark II जीत चुकी है ये रेस. जब हम सेकंड ट्रैक के लिए आ गए हैं और गाड़ी का AC इस बार ऑफ करने वाले. ट्रैक्शन ऑफ, इस बार ये AC ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, दोनों चीज़ें करके देख रहे हैं क्योंकि ट्रैक्शन से Laura में तो काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, उसके अंदर तो खैर नहीं पड़ेगा लेकिन AC से हाँ पड़ सकता है. तो ड्रैग यहीं से स्टार्ट करते हैं. रेडी, तीन ऑन दे दे. और भाई बहुत तगड़ा व्हील्स बनाया है इस बार तो. और भाई Virtus पीछे है, और भाई इस गाड़ी के 140 हो गए, Virtus बहुत पीछे है, 150 हो गए और नहीं रील कर रही यार वो. पूरे 7000 पे रेड लाइन करके 155 के आसपास पहुंच गई थी है और Virtus ने रील नहीं किया भाई, कर ही नहीं पा रही थी वो रील. बहुत कन्विंसिंगली ये गाड़ी ये ट्रैक जीत चुकी है, मतलब चांस ही नहीं था Virtus का इस बारी तो आसपास आने का भी. इस बारी वो गाड़ी स्पोर्ट में रहने वाली, ड्राइव में नहीं रहने वाली. और ट्रैक्शन तुम्हारा ऑफ है, और AC ऑफ, वेंटिलेटेड ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, और स्पोर्ट में रहेगी वो. हमारी नॉर्मल कोई मोड नहीं आता, तो यहीं से ट्रैक स्टार्ट करते, तीन ऑन वो देने वाले हैं. और निकल गई आगे. इस बार मैंने गलती से थोड़ी शॉर्ट शिफ्टिंग कर दिया और नहीं कर रही भाई Virtus रील. ORVM में दिख रही होगी आपको, हमारे हो गए 140 और फिर शॉर्ट शिफ्टिंग करी मैंने, लेकिन कोई नहीं, फ़ायदा नहीं है. 150 हो गए थे हमारे, 150 पे हम ड्रैग ख़त्म कर देते हैं. तो बहुत कन्विंसिंगली दोबारा से Skoda Laura ड्रैग जीत चुकी है, और यार ये जीतना है ही बनता ही है, पावर ज़्यादा है. इस ड्रैग को यहीं पर कंक्लूड करते हैं. 3 के 3 ड्रैग बहुत कन्विंसिंगली Skoda Laura जीत चुकी है. पहले वाले में मार्जिन कम था, बाकी दो में बढ़ता गया मार्जिन, और एक रोल करके देख लेते हैं अब. तो गाइस अब हम रोल रेस के लिए आ गए हैं, और एक हॉर्न से स्टार्ट करेंगे, 20 से करते हैं फिर.
सेकंड ठीक है, मेरी भी सेकंड रहेगी। तो गाइस दोनों गाड़ियां सेकंड गियर में रहेंगी, 20 से करेंगे स्टार्ट और मैनुअल रहेगा उसका। और भाई साथ साथ है, साथ साथ है और वर्टिस पीछे हो गई भाई, लेकिन इस बार गैप नहीं, वर्टिस रील कर रही है, कर रही है रील। ओ बहुत क्लोज है यार ये, और भाई ये निकल गई आगे, ये 160 पे निकली आगे लेकिन निकल गई, और मेरे को लगा ही था कि ये भाई गाड़ी निकल जाएगी आगे, क्योंकि ये रोल रेस में तो ये हर गाड़ी को खा जाती है ये। फिर भी लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम्पीट की, 160 तक ये एकदम साथ साथ रही, लेकिन उसके बाद वर्टिस निकल गई आगे, एकदम एंड में निकली है। और ये हमने खींचा भी एकदम एंड तक था, इसीलिए था क्योंकि देखना था हमें कि ये एंड में रील कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो इस ड्रैक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इस रेस को पूरी ओवरऑल। तीन राउंड की हमने ड्रैक के, तीन के तीन, स्कॉटा लॉरा बहुत कन्विंसिंगली जीत गई थी। लास्ट में रोल रेस किया, रोल में वर्टिस निकल गई आगे और एकदम एंड में जाके निकली है। काफ़ी अच्छा था यार ये, एक्सपेक्टेड तो नहीं था मुझे क्योंकि 1.8 TSI में दम ज़्यादा है, लेकिन अच्छा हो गया ये। हाँ एकदम एंड में निकले थे आगे, गियर शिफ्टिंग में एक मार खाई है ये, क्योंकि जब तीसरे चौथा डाला ना उसके बाद पावर डिम हुई थी हल्की। चलो गाइस इस ड्रैक को इंक्लूड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर वीडियो, बाय।